अस्सलाम वालेकुम वर्स, वेलकम बैक। आप मेरे पीसी स्क्रीन पे एक स्टॉकपाइल की 3D व्यू देख रहे हैं। ये डाटा मुझे सेंड किया गया है और इस पे उनको वीडियो रिक्वायर्ड है कि स्टॉकपाइल का वो वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में यही देखेंगे कि अगर आपके पास कोई स्टॉकपाइल है और आप उसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं। तो एक्सेल फाइल भेजी गई है मुझे, ठीक है, और ये उन्होंने कुछ कंटूरिंग वगैरह ड्रा की हुई है पहले, ठीक है। तो मैं इसको बिल्कुल स्क्रैच से करता हूँ। मैं न्यू फाइल ओपन कर रहा हूँ, ओके। यहाँ पे मैं इसको एक सरफेस क्रिएट करता हूँ, न्यू सरफेस, ओके। और इसको मैं जो है डेटा का नाम दे देता हूँ, ओके, या स्टॉक फाइल का नाम दे, ओके। और इसका जो स्टाइल है, स्टाइल मैं इसको 1 मीटर पे रख रहा हूँ, ओके। अभी सरफेस को हमने डाटा ऐड करना है, मॉडिफाई में जाता हूँ, ऐड डाटा पॉइंट फाइल, ओके। ये पॉइंट फाइल है, मैं इसको ओपन करता हूँ। ये इसका फॉर्मेट है, जस्ट मैंने इसको सिलेक्ट किया है, जेड इंटर ई इंटर। तो ये सरफेस है, सेम सरफेस है जो आप लोगों ने वहाँ पे देखी है। अभी ये कंबाइंड है, तो अभी हमने इसका पहले बेस प्रिपेयर करना है और फिर हम इसको बेस के साथ कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे जो है मैं इसका ट्रायंगुलेशन जो मूड है वो ऑन कर देता हूँ, ओके। और यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, एक्सट्रैक्ट ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे जो है सिर्फ बॉर्डर एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ मैं। बॉर्डर एक्सट्रैक्ट हो गया यहाँ पे, ओके। अभी इससे जो है हम एक सरफेस बना लेते हैं इसी बॉर्डर से, क्रिएट सरफेस, और यहाँ पे मैं इसको बेस का नाम दे देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे अभी जो बेस सरफेस हमने बनाई है ये एम्प्टी है, इसमें हमने ये जो अभी बॉर्डर एक्सट्रैक्ट किया है इसको हमने ऐड करना है, ओके। ये बेस सरफेस मार गई है हमारी, तो इसका व्यू मैं चेक करवाता हूँ आप लोगों को। पहले हमने स्टॉकपाइल का व्यू चेक किया था, अभी हमने ये जो बेस बनाई है, ठीक है, इसका हमने व्यू चेक कर लिया है, ठीक है। आप मज़ीद इसको ट्रिमिंग वगैरह करना चाहें तो आप वही सरफेस इंटरसेक्शन की ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें से जो एक्स्ट्रा एरिया है वो भी डिलीट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने जो ऑलरेडी किया है ये बाउंड्री है जो मैंने सरफेस इंटरसेक्शन से निकाली है, मैं इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी, और इस ड्राइंग में लाके मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये बाउंड्री जो है हमने अपने बेस सरफेस में ऐड कर देनी है, ओके, ताकि हमारे पास जो भी बिल्कुल मिनिमम वैल्यू है उसी से हमारे पास जो है वो वॉल्यूम आ जाए। तो मैं इस बाउंड्री को ऐड करता हूँ, ओके। तो यहाँ पे अभी अगर हम देखें अपनी सरफेस को, ठीक है, बेस सरफेस सेलेक्ट ऑब्जेक्ट व्यूअर, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह की कुछ सरफेस आ गई है हमारे पास, ओके। अभी अगर हम इन दोनों का व्यू चेक करें तो ये कुछ इस तरह से हैं, ओके। ये जो मिनिमम एरिया था वो हमने इसमें से माइनस कर दिया है, ओके। अभी रिक्वायर्ड एरिया जितना भी है हमारा, हम उस पर इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं। तो वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए आपने एनालाइज टैब में जाना है, वॉल्यूम डैशबोर्ड, और यहाँ से आपने अपनी वॉल्यूम सरफेस बनानी है, ओके। वॉल्यूम सरफेस, नो डिस्प्ले, और बेस में मैं इसको बेस सरफेस देता हूँ, ओके। और यहाँ पे मैं इसको स्टॉकपाइल का नाम देता हूँ, ओके। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं वॉल्यूम हमारा कैलकुलेट हो गया है, ओके। ये हमारा फिलिंग में आया है वॉल्यूम, ओके। तो ये फिल एडजस्टेड है, ये कट था इसमें, तो हमारे पास जो फिल है वही हमारा वॉल्यूम है, तो ओके। इसको अगर आप ड्राइंग में प्लेस करना चाहें तो यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ पे आप
कहीं भी ड्राइंग में आके आप क्लिक करें तो ये वॉल्यूम आपका यहाँ पे प्लेस हो जाएगा। इसको बाद में आप प्रिंट कर सकते हैं। ओके, इस पे ऑलरेडी वीडियो है कि इसको आपने प्रिंट कैसे करना है। अगर आपने इसमें इमेज अप्लाई करना है तो मैं उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो इसको अपनी मर्ज़ी के हिसाब से प्रिंट कर सकते हैं। इस वीडियो के बारे में या पहले किसी वीडियो के बारे में अगर आपका कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का ज़रूर इजहार करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।